गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण भागलपुर के दियारा क्षेत्रों में गंगा का पानी फैल चुका है, जिसके कारण दियारा क्षेत्रों के घर डूबने लगे हैं और यहां रहने वाले गांववासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर, दियारा, शंकरपुर, चवनिया दियारा, रतिपुर, बैरिया सहित कई गांव में गंगा का पानी प्रवेश करने से उनका घर डूबने लगा है और लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। लगातार जलस्तर में वृद्धि होता देख दियारा के ग्रामीण ऊंचे स्थान की तलाश में भागलपुर शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। भूखे प्यासे ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि दियारा इलाके में बाढ़ की पानी में चापाकल डूब गया है, जिससे लोगों को जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा नाव की भी सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण जान बचाने के लिए खतरा मोल लेते हुए डेंगी पर सवार होकर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ रहा है। दियारा इलाके में मचान पर और छोटे नाव के सहारे जिंदगी काट रहे लोगों ने सरकार से उचित सुविधा दिए जाने की मांग की। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ राहत को लेकर तैयारियां पूरी किए जाने का दावा कर रही है, दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का दावा दियारा क्षेत्रों में धराशाही दिख रहा है। देखिए ना कितना आप तो आए हैं, तो आप चल के बुल के नाव पर डेंगी पर देखिए कितना परेशानी है, कितना डूबते हैं, कितना भांसते हैं। बहुत है पानी बाढ़ पीड़ित में हम लोग भांस रहे हैं। अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर, और हद्दाद में हम लोग का कोई नाव का नहीं डेंगी का व्यवस्था है। आप पानी घुस गया सर, चार दिन हो गया पानी घुस गया। कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आया। पूरा बकरी गाय भैंसी रहने का भी व्यवस्था, लड़की मुर्गी सब बच्चा का ऐसे रखते हैं हम लोग। तब तक कोई व्यवस्था हम लोग के सरकार द्वारा नहीं दिया गया है और हम यही चाहते हैं अपना अपना सर से, डीएम सर से और सीओ सर से कि हम लोग को कोई व्यवस्था किया जाए सर। और हम लोग को व्यवस्था जो है, देख रहे हैं सर कैसे हम लोग डूब चुके हैं सर पानी से, पूरे परेशान हैं, बाले बच्चे एकदम पानी में डूब रहा है। न झड़ा फिरने की जगह है, न खाने की जगह है, न सुतने की जगह है, न बैठने की जगह है सर। क्या परेशानी है? परेशानी सर बाढ़ पीड़ित आ चुके हैं हम लोग, बाल बच्चा सर दो दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। लगातार बारिश होने की वजह से गंगा सहित अन्य नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे दुर्घटनाएं भी घटने लगी है। पीरपैंती प्रखंड के फेकू टोला के निकट मरगंगा धार में भुट्टा व घास लेकर आ रहा एक नाव पलट गया, जिससे उस पर सवार बड़े व बच्चों सहित 10 से 11 लोग डूबने से बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस पर सवार एक लगभग 12 वर्षीय लड़की लापता हो गई, जिसकी खोजबीन जारी है। सूचना पाकर मौके पर पीरपैंती थाना पुलिस भी पहुंची, तब तक ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। वहीं लापता लड़की की खोजबीन जारी थी, समाचार संकलन तक लड़की का पता नहीं चल पाया था। लाव जो है सो बच्चा लोग आ रहा था, उसके बाद भुट्टा था उसमें तोड़ के आ रहा था, छह बच्चा था, कुछ लेडीज भी थे, पांच बच्चा को तो बचा लिया, एक लड़की 12 साल का लड़की डूब गया, उसका लापता है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला काजल की हत्या समेत कई वारदातों में शामिल चार कुख्यात अपराधियों को भागलपुर पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सभी अपराधियों को भागलपुर लाया गया। सदर अस्पताल में सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी अपराधियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें, काजल की हत्या के बाद सीनियर एसपी नितासा गुड़िया ने CT SP पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया था, जिसके बाद विशेष टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के बाद कांड में शामिल चार अपराधियों के पटना में होने की पुष्टि की थी। अपराधियों के पटना में छुपे होने की सूचना मिलते ही पूरन झा, बबरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह, मुजाहिदपुर थाना के दरोगा विश्वबंधु सहित पूरी टीम पटना के पीर बहोर स्थित होटल में अपराधी रहमत कुरेशी, मोहम्मद छोटू, कमर अली और मोहम्मद टीपू को धर दबोचा। गिरफ्तार सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और सभी हत्या, रंगदारी, लूट सहित कई संगीन मामलों में आरोपी है।
जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार के घटक दल बीजेपी और जदयू में तकरार बढ़ता ही जा रहा है। अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना कराए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे समाज के अलग अलग जातियों में गैर बराबरी की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि 2011 में ही बिहार में जातीय जनगणना करवाया गया था, लेकिन उसको अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। जातीय जनगणना कराए जाने से समाज के सभी वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और उसी के हिसाब से सभी जाति के सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान को लेकर कार्य योजना बनाई जा सकेगी। जाति जनगणना के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन उसी जनगणना के आधार पर आज जो गरीबों के आवास बन रहे हैं वही उसी आधार पर बन रहा है, लेकिन जो जाति आधारित जनगणना था उसको ओपन नहीं किया गया है। और 2011 से लेकर आज 2020 हो गया तो इस बीच में उसकी ओपन नहीं किया गया, उसको प्रकाशित नहीं किया गया। तो यही डिमांड है कि सामाजिक आर्थिक जाति अधिकारी जनगणना कराई जाए और उसको प्रकाशित किया जाए ताकि किस जाति की कितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको क्या सरकारी सुविधा देने से उन जातियों के सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमी है वो कैसे दूर हो सकता है। जब उसके हिसाब से योजना बनेगी तब ये जाकर के ये बिहार में और देश के अंदर जो गैर बराबरी है वो मिटेगा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे प्रदेश में 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार विधानमंडल दल में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के रिक्त स्थानों को भरने और मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा लागू करने को लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर राजद कार्यकर्ता जमा हुए, जहां से वे सभी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर से राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में समाहरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। उसके बाद राजद का एक शिष्टमंडल जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन को जिलाधिकारी को सौंपा। बारिश के पानी से नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोला टोला कदवा व मिलन चौक के बीच बाबा बीसू राउत पुल के संपर्क पथ की मिट्टी कट जाने के कारण खोखली बन गई थी, जिसका मरम्मत कार्य एजेंसी के द्वारा 28 जुलाई को कराए जाने के एक सप्ताह बाद फिर बीते बुधवार को तेज बारिश से 4-लेन सड़क टूटकर ध्वस्त हो गया, जहां छोटी बड़ी वाहनों के आवागमन से कभी भी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरह सड़क के अंदर से करीब 15 फीट मिट्टी कट जाने से खोखली बन गई थी, उसकी मरम्मत कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाई थी। खोखली सड़क में अलग से गिट्टी भरकर मिट्टी की बोरी से मरहम पट्टी कर दिया गया। ग्रामीणों ने वाहनों की आवागमन को देख अनहोनी की आशंका जताते हुए नौगछिया सीओ से सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। नौगछिया सीओ आनंद विश्वास ने बताया कि कार्य एजेंसी को बोलकर जल्द ही सड़क का मरम्मत करा लिया जाएगा।